Assalamu alaikum students how are you all hope you are in good health and in good mood today we are going to study chapter 14 this is for class 4th and the name of the chapter is home and abroad today there was a lot of activity at rabia's house यासर एंड हिज फैमिल्ग होम आफ्टर फाइव ईयर्स यासिर हैड गॉट ए जॉब इन ए कंट्री कॉल्ड अबू धाबी फाइव ईयर्स एस दैन ही है्ड हर अपा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम तो बच्चों आज राबिया के घर में बहुत मतलब काम हो रहा था बहुत चहल पहल समझो थी यासर और उसकी जो फैमिली है वो पाँच साल बाद घर आ रहे थे यासर Uh, को जॉब मिला था एक मुल्क में एक कंट्री है उसको बोलते हैं अबू धाबी ठीक है बच्चों तो वैसे uh, जैसे हम दुबई बोलते हैं शॉर्ट में सिंस दैट ही हैड लिवट दियर और पाँच साल से वो वहाँ आए राबिया और उसके अप् जो है वो एयरपोर्ट गए अप्पा उसके फादर वो एयरपोर्ट गए या सिर उसकी फैमिली को रिसीव करने के लिए और आफ्टर द प्लान लैंड इट जब प्लान लैंड हुआ द पैसेंजर्स हैव टू तो वेट फॉर समाइम टू तो कलेक्ट दियर लगेज एट लास्ट या सिर सहरिश एंड देयर टू चिल्ड्रेन कुड भी सीन कमिंग आउट हाउ बिग यड ग्रोन हैव ग्रोन अप्पा सेट और जब प्लान लैंड हुआ तो पैसेंजर्स को कुछ टाइम वेट करना पड़ता है एयरपोर्ट पे जब तक उनका लगेज आता है तो बच्चों एक्चुअली जब जिस प्लान में पैसेंजर्स होती है उसी प्लान में उनका लगेज लगेज मतलब उनका सामान होता है जैसे सूटकेस होते हैं बड़े बड़े बैग्स होते हैं लेकिन उनको निकालना पैसेंजर्स तो खुद उतरते हैं लेकिन लगेज को निकालना फिर यहाँ तक लाने में थोड़ा टाइम लगता है तो और किसी का गुम न हो जाए इसलिए आराम से वो लाते हैं और हर किसी टिकट पे उसका आ, मतलब चिपका होता है उस लगेज का आईडी जैसे वही टिकट लगेज पे होता है उसके और वही लगेज वही वही टिकट होता है जो ट्रैवलिंग टिकट है बोर्डिंग पास उस पर होता है तो प्यारे बच्चों और खुद लोग पहचानते भी है अपना लगेज तो इस तरह से सब अपना लगेज कलेक्ट करते हैं एयरपोर्ट पे तो इसके लिए उन्हें एक घंटा वेट करना कर, कभी दो घंटे कभी आधा घंटा ऐसा ही वेट करना पड़ता है तो सहरिश और उनके दो बच्चे बाहर आ रहे थे हाउ बिग युआन एंड तो उसकी बीवी जो है वो सहरिश है और युआन एंड यावर वो बाहर बड़े हो गए थे अपा ने बोला सोन वनी सूट के सिंह बैग सार्टर टैक्सी एंड सामान मतलब इतने बड़े बड़े सूट केसेस फिर टैक्सी में सारे फिट किए गए और राबिया के घर की, की तरफ चल दिए सब लोग यून यू मस्ट बी वे रिटायर अपू यूर लॉन्ग जर्नी अपा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ अनदर कंट्री फार फ्राम इंडिया यून ने बो यून को शायद राबिया ने बोला आप बहुत थक गए होंगे क्योंकि अबा ने बोला है कि अबू धाबी जो है वो बहुत ही दूर है लेकिन वी आर नाट टायर्ड इवन दार अवर फ्लैट ऑन तो युवा ने बोला नहीं मैं कुछ थका नहीं हूँ मुझे पता है कि दुबई मतलब इंडिया से बहुत दूर है अबू धाबी की जो कंट्री है लेकिन हमें दो ही घंटे लगे मुझे लगता है कि शायद जो प्लान है वो ज़्यादा फास्ट चल रहा था हमें दो ही घंटे लगे वहाँ से राबिया वा सरप्राइजे शी रिमेंबर दैट वीट गु चई ती हेट स्पेंड आलमोस्ट टोर्स इन ट्रेन एंड ऑन द मैपी एंड चन्ई स रबिया युन एंड यावर चैट ऑल दी तो रबिया परेशान हो गई उसको याद आया जब उसको स्कूल ट्रिप चेन्नई जाना था तो बारह घंटे उसको ट्रेन में सफ़र करना पड़ा और उसको लगा कि कोची ये, ये शायद कोची से जा रहे थे तो मैप पे कोची और चेन्नई बहुत पास लग रहे थे तो युआन एंड याब चार्ट और यून याव और यावर मतलब ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट जब मतलब एयरपोर्ट की तरफ जब वो के घर जा रहे थे तो ऑल द वे पूरी पूरे जो रास्ते में उन्होंने बात बातें की तो बहुत सारी बातें हो रही है आपस में शेर में चैट रबिया हाउ मच फन शी शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप वांटेड यू ऑन तो लेकिन उसको याद आ रहा था रबिया को कि जब वो स्कूल ट्रिप्स पे जाते थे फिर वो रास्ते में अपने दोस्तों से बात करते थे तो कितना मज़ा आता था और वो चाहती थी कि ऐसे ही यून भी ये सारी कहानी बोले कि वो दो अब से कैसे निकले यहाँ तक कैसे पूछे रास्ते में क्या क्या हुआ डस्ट ऑल अराउंड मतलब डस्ट जो है जिसको हम बोलते हैं गर्द वबार हम बोल सकते हैं तो डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्राम द प्लान आसकर राबिया तो राबिया ने बोला क्या आपने बहुत सारी मतलब इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज़ें देखी जहाज के साइड से जो जहाज़ की खिड़की होती है वहाँ से या जहाज़ से तो यू ने मोस्ट ऑफ टाइम वी साली क्लाउड्स बिकॉज प्लान वाज फ्लाइंग सो हाई इवन हायर दैन द क्लाउड्स हेड यू ऑन तो यून ने बोला नहीं हमने तो ज़्यादातर क्लाउड्स ही देखे हमने खाली देखे बादल कभी कभी तो बादल से भी ऊपर हमारा प्लान उड़ रहा था तो बट बिफोर वेंट ऑन हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग और सैंड एरिया इट सैंड वट दलर ऑफ सैंड कैप्ट चेंजिंग वाइट ब्राउन येलो रेड खाती बादल देखी और कभी कभी जब आ, पहले मतलब जो जहाज है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा था तो हमने खाली देखी सेंड रेत जो है और हमने बहुत तरह की सैंड uh, देखी जैसे हमने व्हाइट सैंड देखी ब्राउन देखी ब्लैक देखी रेड yeah. देखी और सैंड ड्यूनस भी देखे तो राबिया ने कहा व मैंने तो सेंड खाली सी शोर में है जो समंदर का किनारा है वहां पे और आपने इतनी तरह की सेंड दिखी सेंड के डूनस दिखे छोटे छोटे वो पहाड़ होते हैं देन यू शुड कम टू विजिट अस यासर फिर यासर ने बोला कि आपको हमारी तरफ आना चाहिए द कंट्रीज अराउंड द डेजर्ट एरिया इवन ग्रीन जस्ट सेंड तो उसने बोला कि जो अबू धाबी है और उसके साइड की कंट्रीज है वहाँ खाली सैंड ही सैंड है अगर आप कितना भी दूर दूसरी कंट्री तक भी जाओगे वहाँ साइड साइड से जो बाकी छोटी कंट्रीज़ हैं लोकेट है तो आप सैंड ही पाओगे ना वहाँ ज़मीन दिखती है ना पेड़ पौधे कुछ भी नहीं आई यूज इट ड्रीम ऑफ दिक ग्रीनरी एंड वाटर अराउंड आवर होम इन कश्मीर सेट सहरश आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच ए लॉन्ग अब जो सहरिश है वो कश्मीर से है तो उसने बोला मुझे तो मतलब खाब आता था कि वैसी ग्रीनरी हो तो वो पानी हो जैसे कश्मीर में होता है आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर लॉन्ग तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मैं इतने टाइम बाद देख रही हूँ उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर हाउ इट फील्स व्हेन इट रेनज़ यू नो इट नेवर इन डेजर्ट एरिया अब बारिश शुरू हुई तो लोगों मतलब बच्चों को सब भूल गया

जोराबिया के घर जब मतलब ये पहुँचे तो उन्होंने हमें आ, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है हमें वहाँ पे खाली पाम ट्रीज देखी है वहाँ क्योंकि वहाँ पे जो डेट्स डेट ट्रीज़ डेट है तो खाली खजूर के पेड़ हम हमने देखे क्योंकि खजूर एक फ्रूट है वो डेज़र्ट में उगता है ज़्यादातर तो ऐसे तो नहीं उगता है और वो जहाँ हाई टेम्परेचर हो तो वहाँ पे खाली हम यही देखते थे तो उनको बहुत खुशी हुई यून और यावर को ये सब देख के तो बच्चों आज हम इतना पढ़ेंगे अब हम बाकी का वो जर्नी का इनका हाल कल पढ़ते हैं थैंक यू